हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ A24 नॉलेज। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आरआरबी जेई एग्ज़ाम 2019 के सीबीटी 1 के रिज़ल्ट के बारे में। मैंने इसके ऊपर एक और दो वीडियो पहले ही बनाई थी। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो रिज़ल्ट के ऊपर ही थी, पर ये रिज़ल्ट से हटकर कुछ है। आरआरबी जेई सीबीटी 1 रिज़ल्ट घोटाला। अभी घोटाला वर्ड मैंने यहाँ पर ऐड इसलिए किया है क्योंकि आपने देखा भी होगा या सुना भी होगा कि प्रोटेस्ट चल रहा है अगेंस्ट आरआरबी, और ये प्रोटेस्ट जो है वो जेई स्टूडेंट्स के थ्रू है, जूनियर इंजीनियर स्टूडेंट्स के थ्रू है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। तो जेई स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट आरआरबी, उन्होंने किया क्या है, मैं वो सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, और आप उस प्रोटेस्ट में किस तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं, अपने आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बैठे बैठे, उसकी भी मैं बात करूँगा। तो यहाँ पर जेई स्टूडेंट ने सबसे पहला काम जो किया है, जितने भी बोर्ड हैं उनको एक ज्ञापन सौंपा है जिसके अंदर उन्होंने पूरी की पूरी दो पन्नों का वो ज्ञापन है जिसके अंदर उन्होंने सारी चीज़ें लिखी हैं कि किस तरीके से नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स ज़्यादा आ चुके हैं, टेक्निकल कम आए हैं, जिसकी वजह से जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हो चुकी है, एंड इट इज़ अ क्वालिफाइंग नेचर ऑफ एग्ज़ाम, सो इस एग्ज़ाम्स को या फिर इस रिज़ल्ट को वापस से रिवाइज़ किया जाए, ये उसके अंदर पूरी तरीके से लिखा हुआ है। और कुछ एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं जो उन्होंने कहा है, जिसमें पहली चीज़ उन्होंने लिखी है कि जो रेलवे जेई का सीबीटी एग्ज़ाम है या फिर मैं कहूँ रिज़ल्ट है, उसको रिवाइज़ किया जाए और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर वापस से रिज़ल्ट अनाउंस किया जाए। ये उनकी पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड की अगर मैं बात करूँ तो दूसरी डिमांड है दैट रेलवे जेई सीबीटी 2 परीक्षा की प्रिपरेशन के लिए उनको एक टाइम दिया जाए और जो सीबीटी 2 है उसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए, उसकी टाइमिंग को आगे बढ़ा दिया जाए, मतलब 28/1 ना करके रिज़ल्ट आप वापस दें और फिर आगे बढ़ाएं उस सीबीटी 2 की डेट को। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने इस ज्ञापन के अंदर दिखाई हैं। आप इस प्रोटेस्ट में किस तरीके से हिस्सा ले सकते हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि सारे बंदे उठ करके जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पर जा सकते हो। तो उन्होंने एक और चीज़ किया है कि आप घर बैठे बैठे ही इस काम को कर सकते हैं। अगर आप उनकी ये जो दो मैंने डिमांड्स बताई है उनसे आप सहमत हैं, आप उनके वे में खड़ा होना चाहते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो आप ये मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक आपको प्रोवाइड किया, उस लिंक पर जाइए आप, वो आपको पूरा का पूरा दिखा देगा, उसमें आप पढ़ लीजिए पूरा पहले उसको, ठीक है। दो पन्नों का ज्ञापन है ताकि आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर नीचे की तरफ आपको दो या तीन चीज़ें दिखेंगी जैसे कि ईमेल और मैसेज नेम वगैरह। तो वहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना नाम डाल देना है, जो भी आपका नाम है, आपकी ईमेल आईडी क्या है वो डाल देनी है, और आपका मैसेज आरआरबी के लिए क्या है या उस प्रोटेस्ट के साथ में आपका जो मैसेज है वो आप डाल सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। तो घर बैठे बैठे इस तरीके से आप प्रोटेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। इन केस आपको ज़रूरत नहीं है या फिर आप प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं होना चाहते तो आप इस फॉर्म को फिल मत कीजिएगा। थैंक यू।